MSCIT का फॉर्म भरते हैं उसमें यहाँ पर ये फोटो स्टिक करना है, और यहाँ पर फर्स्ट नेम जो रहेगा ये SSC या HSC जो भी डॉक्यूमेंट है, क्योंकि SSC HSC पर करेक्ट रहता है। आधार कार्ड को हम कभी भी चेंज कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से डालना है फर्स्ट नेम। तो फर्स्ट नेम जिसका भी जो रहेगा, जैसे कि उम्मे कुलसुम है तो पूरा, या फिर किसी का दो नाम अगर रहते हैं उसका जो खुद का नाम है तो यहाँ फर्स्ट नेम में आएगा। वहाँ पर खान शेख वो नहीं लगाना है, और लास्ट नेम में शेख खान वगैरह यहाँ लगा सकते हैं। लास्ट नेम कभी किसी का सरनेम फर्स्ट रहेगा या फिर पहले, या फिर रिपीट भी होता है कभी कभार। अगर रिपीट होता है ऐसे कि खान अरीब खान तनवीर ऐसे कुछ रहेगा, तो यहाँ खान अरीब खान तनवीर ऐसा लिख देना है। और इसमें खान कॉमन करे तो तीन बार रिपीट हो जाएंगे। तो जो नाम रहेगा तो नाम में ज़्यादातर जैसे कि तनवीर लिखना है, खान तनवीर अरीब है तो यहाँ अरीब और यहाँ पर खान। फिर ये नेम सर्टिफिकेट पर कैसे आएगा, हॉल टिकट और सर्टिफिकेट पर, तो इसमें जैसा पूरा SSC HSC पर जैसा भी लिखा हुआ है पूरी सीक्वेंस, तो वो पूरा लिखना है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ तो 5 है तो डायरेक्ट 5 नहीं 05। यहाँ पर मंथ रहेगा जैसा कि दिसंबर है तो 12, अगस्त है तो 08, और यहाँ पर ईयर। उसके बाद यहाँ पर मैरिटल स्टेटस सिंगल मैरिड। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर 2 लिखना है घर के, यहाँ पर 2 मोबाइल नंबर लिखेंगे। उसके बाद ये नहीं भी लिखे तो चलेगा, डिस्टेंस कितना है, किलोमीटर कितना पड़ता है, 3 किलोमीटर 1-2 ऐसे। जेंडर लिखकर यहाँ पर एड्रेस लिखना है, एड्रेस शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं आधार कार्ड के हिसाब से। हाउस नंबर बिल्डिंग नंबर नहीं है तो जो भी आधार पे आ रहा है सीक्वेंस उसको यहाँ पर एक बार वो लिख देना है। स्ट्रीट कॉलोनी अगर कोई है, मकसूद कॉलोनी, यूनुस कॉलोनी, और यहाँ पर सिटी विलेज सबर मतलब औरंगाबाद रहेगा, तहसील भी औरंगाबाद, डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद जिसका जहाँ पर भी, और पिन कोड वो आधार के हिसाब से ले सकते हैं। फिर यहाँ पर टिक कर देना है कौन सा क्वालिफिकेशन है, बोर्ड लेना है उसमें से, स्टेट बोर्ड है CBSE कौन सा है टिक करके, और अभी क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट है तो यहाँ पर स्कूल स्टूडेंट, सेल्फ एम्प्लॉयड ये ले सकते हैं, इन्फॉर्मेशन कोर्स की कहाँ से मिली तो एडवर्टाइजमेंट वगैरह कर सकते हैं, या फिर इसको स्किप भी कर सकते हैं। फिजिकली चैलेंज मतलब कोई अगर माजूर वगैरह है तो उसको यस कर सकते हैं, नहीं तो नो, और किस तरह की डिसेबिलिटी इसको छोड़ देना अगर नहीं है तो, है तो वहाँ लिख सकते हैं। आइडेंटिटी प्रूफ में क्या लिख रहे हैं तो यहाँ पर आधार कार्ड उसको टिक कर देंगे। यहाँ पर सिग्नेचर होना है कैंडिडेट की, ये बॉक्स के अंदर ही, बॉक्स के बाहर नहीं आना चाहिए। और यहाँ पर ALC सिग्नेचर यानी कि इंस्टीट्यूट का जो सिग्नेचर रहेंगी, तो यहाँ पर जो भी फैकल्टी रहेंगे वो भी कर सकते हैं साइन, और वो सील जो रहता है स्टैम्प इंस्टीट्यूट का वो इस पर कर देना है। कितने इंस्टॉलमेंट पे किए यहाँ पर लिखना है, सिंगल है तो सिंगल, 2 में देना है तो 2। फिर कोर्स कौन सा है सेलेक्टेड, MSCIT, ऑफिस असिस्टेंट जो भी है DTP, और बुक कौन सी मीडियम तो इंग्लिश। फिर बैच तो बैच का यहाँ पर मंथ और ईयर लिखना है, तो जो भी मंथ चल रहा है मंथ और ईयर, और यहाँ पर डेट लिखना है। ये लिखने के बाद इतना फिल कर देना है, और उसको कैम स्कैनर या फोटो लेकर व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं। इस तरह से टिक करना है, यहाँ पर भी टिक कर सकते हैं। MSCIT है तो MSCIT।